नमस्कार स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर किरण उनियाल जी बहुत स्वागत आपका मेहमान में धन्यवाद थैंक यू शुरुआत करूंगी मैं आपसे ये जान के किरण जी आपने कई रिकॉर्ड हासिल किए इस फील्ड में बट लेट अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया कलारी किसे कहते हैं और कब से शुरू हुआ नीति जी देखा जाए तो कलारी हमारा जो भारतीय इतिहास है उस पर एक बहुत पुरानी मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कम से कम तीन हजार वर्ष पुरानी है और कहा जाता है कि परशुर राम जी ने इसका इसकी शुरुआत की थी और वो वो खुद भी एक कलारी के प्रैक्टिशनर थे एंड कलारी बेसिकली एक केरला का आर्ट फॉर्म है और इसके एक बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म है और एक बहुत ही डेंजरस है पर ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत शुद्ध आर्ट फॉर्म है और इसमें फ़िलासफ़ी से लेकर स्परिचुअलिज्म तक जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स इससे इतना डर गए थे कि उन्हें कलारी को बैन कर दिया था उस समय उनको पता था कि रिवोल्यूशनरी अगर ये, ये यूज़ करेंगे तो उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है मतलब कलारी इज नॉट जस्ट सेल्फ डिफेंस इट इज अबाउट अदर फील्ड्स पर्सपेक्टिव ऑन अदर फिलोसोफिकल फील्ड्स करेक्ट करेक्ट वो समझाएं वो ये है कि कलारी में साथ साथ सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपको अटैक भी सिखाया जाता है और इसमें स्पिरिचुअलिज्म भी है साथ में मेडिटेशन भी है और साथ में एक बहुत अच्छे ढंग से एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका सिखाया जाता है जो बहुत एक अच्छा तरीका है और साथ ही इसको अभी uh, कलारी को इंक्लूड कर दिया गया है खेलो इंडिया गेम्स में तो एक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सभी कलारी के प्रैक्टिशनर्स के लिए ये बट इफ वी लुक एट इज द फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स जर्मनी एनी प्लेस आप देखें तो टाइकोंडो है जो कोरियन मार्शल आर्ट है जो नाइनटीन फोटीज एंड फिफ्टीज में वहाँ पे ज़्यादा मतलब ओरिजिन हुआ था उस समय इसके बाद आप बाकी जगह जाएं जापान से जूडो मिला हमें देन ब्राज़ीलियन जजुत्सु है उसके बाद इसराइल में क्रव मागा यूज़ होता है एंड फिलीपींस की काली पैक्टिफ है देन एम है किक बॉक्सिंग है तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें एरियाज़ में उनकी यूटिलिटी के हिसाब से है आ, मैं ख़ास कर यहाँ ताइकोंडो को के बारे में बताना चाहूँगी जिसकी मैं ब्लैक बेल्ट हूँ थर्ड हैंड तो ताइकोंडो एक साउथ कोरियन इसका हेडक्वार्टर है जो साउथ कोरिया में है कुकीवान का के नाम से प्रसिद्ध है और उसमें क्या होता है ताइकोंडो में एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है जैसे आप येलो से ज्वाइन करते हैं धीरे धीरे आप रेड बेल्ट के बाद रेड वन के बाद आप ब्लैक बेल्ट होते हैं काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप लगा लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे आपको कुछ आगे बढ़ते हैं तो ब्लैक बेल्ट वन डैन टू डैन थ्री डैन करके ये आगे तक चलता है तो आप ब्लैक बेल्ट की बात बता रही क्या होता है ब्लैक बेल्ट अगर हम एक आम आदमी जानना चाहे हाउ डू गेट दैट ब्लैक बेल्ट वॉट इज टू गेट इट या इसमें क्या लगते हैं जैसे हमारे नर्सरी से फर्स्ट क्लास होती हैं आप एजुकेशन पॉलिसी की तरह देखिए तो उसी तरह आप जब वाइट बेल्ट होते हैं आपको कुछ स्टेप सिखाए जाते हैं पूमसे होते हैं फॉर्म्स होते हैं फाइटिंग स्टैंड होते हैं और किक्स होती हैं वो धीरे धीरे आपको जैसे, जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं जैसे तीन महीने के बाद अगेन बेल्ट मिलती है फिर उसका आ, बेल्ट का बढ़ता रहता है गैप बढ़ता रहता है तो उसके साथ ही जब आप वाइट बेल्ट से येलो बेल्ट होते हैं येलो के बाद आप आ, ग्रीन आते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करते हैं खासकर आपको फॉर्म्स पता चलती हैं फाइटिंग स्टैंड पता चलते हैं और आप कंपिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो वो जब आप ब्लैक बेल्ट आते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि आपको उसको जस्टिफाई भी करना होता है तो आपके आपका स्टेमिना और उसके जो फॉर्म्स हैं और किक्स हैं वो भी उस हिसाब से आपके ग्रेडिंग इम्प्रूव होने चाहिए तो ब्लैक बेल्ट एक आ, कहते हैं ब्लैक बेल्ट मिलना एक आ, एक ख़ुशी का भी आप कह सकते हैं एक खुशी भी मिलती है और साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है बट वट इज कैटेगरी हाँ जी ये अलग है ब्लैक बेल्ट एट डैन तक होता है जी। तो वो ग्रेडिंग uh, सिस्टम काफी लंबा चलता है जैसे एक साल ब्लैक बेल्ट वन से टू इयर्स तक आने के लिए दो साल का गैप फिर ऐसे तीन साल चार साल जितनी बेल्ट आगे बढ़ती है उतने इयर्स का गैप जरूरी हो जाता है और यह मैं कहना चाहूंगी कि आपने बाईस साल का गैप लिया अपने करियर में <laughs> तो अगर आपकी यात्रा को देखा जाए इन चंडीगढ़ सो so, वहाँ से मैंने शुरुआत की अपनी आ, कह लीजिए स्कूल डेज से एंड शुरुआत में नॉर्मल प्रैक्टिस करी शु, शुरू किया बस उस समय इंटरेस्ट बहुत था आ, मार्शल आर्ट में तो धीरे धीरे जब वहाँ किया टू इयर्स उसके बाद वहाँ पे करने के बाद ब्लू बेल्ट लेने के बाद तो काफ़ी गैप हुआ और जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं फिर शादी हुई फिर बच्चों के बाद तो अगेन उस गैप के बाद मैंने रीजॉइन किया आप कह सकते हैं ट्वेंटी टू के बाद सिकंदराबाद में hmm. तो वहाँ से मेरी फिर अगेन एक नई जर्नी शुरू हुई hmm. और वो भी मैंने ज्वाइन इसलिए किया था मेरा बेटा था छोटा बेटा था वो फाइव ईयर्स का था उस समय तो उसको मैंने मैं चाहती थी जैसे जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो मुझे लगा कि मैं उसको ताइकोंडो में डालूं जैसे हर माँ चाहती है hmm. तो मैंने उसको ताकॉन्डो में डाला तो साथ साथ वो थोड़ा बोल रहा था नहीं मम्मी मेरे को कंपनी चाहिए तो उसकी कंपनी से कह लीजिए और अपनी फिटनेस के लिए भी मैंने फिर से रिजॉइन किया बाईस साल बाद और फिर आप अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताएं बारह रिकॉर्ड्स आपने भारत के लिए किए हासिल एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड दैट यू आर दी ओनली इंडियन टू हैव सेट रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं एक रिकॉर्ड सेट क्या प्रोसेस होता है टेक अस थ्रू दैट निधि जी पहले तो जैसे मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ग्रुप रिकॉर्ड्स करने की तो उस समय यह था कि पहले मुझे फॉर्म में आना है क्योंकि इतने साल बाद मैंने रीजॉइन किया तो जब मैंने देखा मेरी फॉर्म में मैं आ गई हूँ ग्रिड में आ गई हूँ और इम्प्रूवमेंट uh, हो रहा है एंड आई कैन फेस नाउ सम आई कैन टेक अप नाउ चैलेंजेस सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिकॉर्ड uh, शुरू किया जाए उसमें जैसे रिकॉर्ड होता है बीस लोग भी करते हैं ट्वेंटी फाइव भी करते हैं तो मैंने शुरुआत की पूम से फॉर्म के साथ जब उसमें मैंने परफॉर्म uh, कर लिया फिर मैंने ग्रुप uh, में वन आर कंटिन्यूसली किक्स में किया ध्यान जब मेरा किक्स का थर्टीन से वन आर में इम्प्रूवमेंट हुआ 1800, 2000 तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू अटेम्प्ट कुछ बड़ा किया जाए इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे मैंने फोकस किया और इंडि ये जो गाइडलाइंस होती हैं गिनीज की बहुत टफ़ होती हैं जो गिनीज रिकॉर्ड करते हैं वो ये अच्छी तरह उनको मालूम है क्योंकि उसमें कम से कम तीन पेजेस का एक पूरा उनका परफॉर्मा होता है कि ये गाइडलाइंस है आपको इसी हिसाब से आपको करना है मतलब एंड दे विल नॉट गिव यू एनी क्ल्यू और एनी मतलब कि आपको अपने आप ही ये सब करना है पर उनके ये कैमरा साथ साथ टेक्निकल पॉइंट्स बहुत होते हैं मार्शल आर्ट के कि हाइट कितनी होनी चाहिए पैड होल्डर की एंड uh, बहुत चीज़ें होती हैं कैमरा कैसे होना चाहिए और uh, कौन कौन जजेस होने चाहिए विटनेस प्रूफ तो वो सब एक बहुत लंबा प्रोसीजर है क्योंकि अप्रूवल में ही कम से कम दो तीन महीने लग जाते हैं हमें तो उसके बाद जब शुरुआत की तो कहा कि चलो देखा जाए फिर मैंने एक फ़र्स्ट रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया था तो उसमें मेरे को अच्छी खासी मैंने फ़र्स्ट क्रिएट किया था रिकॉर्ड मैं कहूँ किसी का ब्रेक नहीं किया था सेल्फ़ क्रिएटेड फर्स्ट रिकॉर्ड था जो गिनीज के बेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में आ, आया था और वहाँ से मुझे एक इनक्रेजमेंट uh, मिला कि मुझे और रिकॉर्ड्स मैं कर सकती हूँ तो जब आपको uh, एक uh, कह लीजिए आपको मोटिवेशन मिला मुझे

तो उनका और एल्बो स्ट्राइक का यहाँ पे उनका था कि सिर्फ एल्बो लगनी चाहिए फोर आर्म नहीं लगना चाहिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि अगर एक भी वो फोर आर्म लगेगा तो वो रिकॉर्ड डिसक्वालीफाई हो जाता है uh. तो टू तो फिफ्टी का उन्होंने टारगेट दिया In था थ्री मिनट्स hmm. पर uh, मैंने फर्स्ट uh, जो ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम uh, ही किया एंड उसमें थ्री मिनट्स में किए थे Hmm. तो वो एक एक कंफर्टेबल लेवल था एंड वो अप्रूव हुआ और उसमें से मुझे खुशी है कि कोई भी उसमें से कट नहीं किया गया एंड काफ़ी मेहनत की थी मैंने इस रिकॉर्ड के लिए किरण जी हम जानना चाहेंगे एल्बो स्ट्राइक कैसे किया जाता है इसका पर्पस क्या है पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि एल्बो स्ट्राइक क्या है और उसका इस्तेमाल आप लेडीज कैसे कर सकती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए और जो रिकॉर्ड किया था उसमें मेरा जो एल्बो स्ट्राइक था वो इस ढंग से था ये तीन मिनट तक का था और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में इसको आप ऐसे कर सकते हैं मारने के लिए और ऐसे कर सकते हैं और यहाँ मार सकते हैं और अगर बैक्स किसी ने आपको पीछे से पकड़ा है तो आप उसको यहाँ भी मार सकते हैं जोर से और, और इसी तरह एल्बो स्ट्राइक मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड था वो था वन मिनट में टू फिफ्टी एट एल्बो स्ट्राइक वन मिनट में तो वो उसका उसका भी ढंग था पर उसका था कि मुझे अल्टरनेट हैंड से दोनों हैंड से करना था तो इसके लिए भी है कि जब आप करते हैं तो पावर के साथ करना है इसको ऐसे किया तो ये भी एक बहुत अच्छा है आत्मरक्षा का इसके बाद मेरा जो थर्ड रिकॉर्ड था वो था 120 ट्वेंटी नी स्ट्राइक तो उसकी एक गाइडलाइन थी कि जो पैड होल्डर होगा वो फाइन हाइट का होगा तो जिस तरह आप देख रहे हैं मैं फाइव वन हूँ तो उसका था कि अगर आपको नी स्ट्राई करनी है एक नीज स्ट्राइक क्रव मागा में कह लीजिए या बहुत सारी मार्शल आर्ट फॉर्म है एक सेल्फ़ डिफेंस का बहुत लेडीज़ के लिए चाहे वो साड़ी में है सूट में है एक बहुत अच्छा बेस्ट फॉर्म है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा साड़ी में है तो पहले मैं दिखाऊंगी जो रिकॉर्ड में किया था वो क्या था उसमें पैड होल्डर ने यहाँ तक चेस्ट लेवल तक बैट पकड़ा था और मुझे उसके चेस्ट लेवल तक ये कर, आ, वन मिनट में 120 किया था मैंने जो उस समय मेल कैटेगरी में 115 था वो रिकॉर्ड जैसे ये वाला था तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और यही रिकॉर्ड मैंने एक और ब्रेक किया था वो थ्री मिनट्स में 263 था और उसके लिए मैंने जो ये है नी स्ट्राइक है उसमें आपको करना क्या होता है कि अगर किसी ने आपको अटैक किया आपको जैसे करना है नी यहाँ पे ग्रोइंग लेवल पे आपको मारना होता है ये स्टमक में भी कर सकते हैं उसको पकड़ के आप स्मैश भी कर सकते हैं नीचे सर झुका के मार के तो ये एक स्पेशल फोर्सेस में भी बहुत यूज़ होता है और एक बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ है जो साड़ी सूट में महिलाएं आराम से कर सकती हैं धन्यवाद थैंक यू राजेश जी थैंक यू सो मच मैंने एक चीज़ नोटिस की किरण जी जब आपने पंच किया तो आपके पंच में बहुत पावर था इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए क्योंकि हम तीन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं फोकस करते हैं एक तो स्टैमिना स्ट्रेंथ और स्किल होना चाहिए और स्पीड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं अगर ये एक कॉम्बिनेशन है अगर आप चारों चीज़ें ज्वाइन करेंगे तभी आपका एक रिकॉर्ड एक कामयाब रिकॉर्ड बन पाता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है इसके लिए जब आप सोच सकते हैं अगर कोई लेडी जैसे रिकॉर्ड के लिए अगर वन मिनट में टू फिफ्टी एट एल्बो स्ट्राइक कर रही है तो ये अगर बाकी नॉर्मल महिलाएं भी ये सीखें तो अगर वो कुछ एल्बो स्ट्राइक ही करें तो उनकी आत्मरक्षा के लिए एक बहुत एक बेहतरीन तरीका है ये और यहाँ आत्मरक्षा की जब आप बात कर रही हैं तो दिस इज फॉर प्रिवेंशन दिस इज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन वॉट आर दीज एसोसिएटेड विद काइंड ऑफ सेफ्टी देखिए सबसे पहले तो सेल्फ uh, डिफेंस आप सेकेंड स्टेज में मानूंगी पहले आपको सेफ्टी पे ध्यान देना है सेफ्टी इन सेंस कि जब आप अकेले हैं और जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं आप पार्किंग प्लेस में हैं या किसी मॉल में हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए एज अ लेडी और उसके बाद अलर्टनेस के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट में चाहूँगी कि आना चाहिए फॉर्म कि जिससे आप में एक आत्मविश्वास आए कि मैं किसी भी आ, समय मैं किसी ना किसी अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे और मैं खुद कैपेबल हूँ कि मैं अपनी आत्मरक्षा कर सकूँ और उसके साथ साथ आ, आपके उस सीकुंस के साथ साथ थोड़ा सेल्फ डिफेंस के स्टेप के साथ साथ आपकी जो कहते हैं ना लेडीज़ में सिक्सथ सेंस बहुत यूजफुल होती है नहीं, तो नहीं। आपको अपनी सिक्स सेंस भी हमेशा यूज़ करनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस हमेशा फेस में होना चाहिए चाहे आप किसी भी जगह में आपको दूसरे को ये नहीं दिखाना कि मैं आपसे डरी हूँ घबराई हूँ तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हमें मतलब ये सब कॉम्बिनेशन करके सेफ्टी की तरफ दें और साथ साथ सेल्फ डिफेंस मैं चाहूंगी क्योंकि जितने भी मेरे रिकॉर्ड है उनमें मैंने ऑब्जेक्टिव जैसे वो पूछते हैं गिनीज वाले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैंने कहीं भी ऑब्जेक्टिव पर्सनल अचीवमेंट नहीं लिखी मैंने यही लिखा है कि मेरा बस एक मकसद है कि मैं uh, इंडिया में वुमेन सेल्फ डिफेंस प्रमोट करना चाहती हूँ मार्शल आर्ट प्रमोट करना चाहती हूँ पर क्या वजह है इंडिया में इतनी कम लड़कियाँ मार्शल आर्ट्स में हैं <laughs> जैसे आपने कहा बट आई सी वेरी फ्यू पीपल या उसमें कुछ वजह तो होती है कि एटमॉस्फेयर घर का होता है कि उनको लगता है कि लड़की सीखेगी तो कहीं पता नहीं आपस में हमें ही भा, ही हमें भाई बहन को पिटाई करना शुरू कर दे या मेरी बेटी को चोट ना लग जाए और ये भी होता होगा कि इसके घर में तो इसका फादर है हाँ, जी, करने के लिए या भाई है इसको ये सब करने की क्या जरूरत है तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी हमें बदलनी पड़ेगी दैट गर्ल्स शुड कम फॉरवर्ड फॉर देयर ओन क्योंकि समझते हैं जैसे घर वाले सोचते हैं कि भाई लड़की को क्या सीखने की जरूरत है उसका उसके पिता तो हैं उसके भाई साथ चले जाएंगे या शादी होगी तो पति उसका साथ देंगे पर देखिए ये हमें खुद सोचना है समझना है कि हर समय पिता भाई और पति तो आपके साथ नहीं हो सकते कभी ना कभी आपको अकेले निकलना है कभी ना कभी आपको कहीं जाना है तो और टाइम में अगर आप एनसी केसेस देखें तो केसेस बहुत डबल ट्रिपल

तो जो आपके साथ जो भी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो सोचता है उसको बढ़ावा मिलता है तो चाहे वो घर में हो क्योंकि आप आप देखें क्राइम रेट को नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स देखिए तो उसमें 80 परसेंट जो केसेस हैं वो आपके अपने नोन होते नहीं। हैं नहीं। जो करते हैं तो इसलिए आपको पहले जब आपको ऐसा लगता है कि कोई एडवांसमेंट कर रहा है तो उसी समय आपको उसको रोकना होगा mm -hmm. और यहाँ मैं अब जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी एक 18 साल की लड़की है जो स्पेशली एबल्ड है और उसके लिए आपने स्पेशल ओलंपिक्स में भी रुचि ली आप हैदराबाद में भी जुड़ी हुई हैं कई लोगों के साथ टेल अस अबाउट दैट हाउ दैट एज मदर फॉर यू यस निधि जो मेरी बेटी है वो 18 इयर्स की है एंड उसकी uh, 100 परसेंट डिफरेंटली एबल्ड है पर यह है कि उसकी वजह से ही हम बहुत क्योंकि डिसेबिलिटी एक बहुत क्लोज हो गया था एज अ मदर जब आपके साथ खुद ये होता है तो आप कहीं ना कहीं आप सोशल वर्क की तरफ आपका झुकाव हो जाता है तो यही वजह थी कि हमने आर्मी के लिए आवा के लिए डिसेबिलिटी पे बुक रखा बेनिफिट्स फॉर द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन ऑफ इंडियन आर्मी हाँ जी ये हस्बैंड मेरे हस्बैंड हैं जो से, आ, सेना में हैं उनके उन्होंने और मैंने मिल लिखी थी एंड ये एक बहुत अच्छी पुस्तक थी एंड ये तीनों आम में बहुत लोगों ने इसकी सराहना की और और इसी वजह से हम लोग डिसेबल्स के साथ जुड़े और स्पेशल ओलंपिक में भी जुड़ने का मेरा यही मकसद था कि मैं जो बच्चे हैं जो स्पेशल ओलंपिक भारत के तो उनके साथ जुड़ सकूं और उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर सकूँ और टाइकोंडो भी प्रमोट करने का मौका था कि हम लोग चाह रहे थे कि इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल में बिल्कुल ना कमिंग बैक टू योर बुक युक इज अ अंपेंट थिंग दैट आई विश टू कन्वे थ्रू दिस प्रोग्राम दैट इज आई हैव सीन माई सेल्फ दैट गवर्नमेंट इज गिविंग सो मेनी सब्सिडीज फॉर डिफरेंटली एबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन एज वी एड्रेस देम टूडे बट अगर आप बस में जाओ नॉर्मल बस में जाओ तो मुझे लगता है वहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है सो दोज यू नो प्लेटफॉर्म्स नीड टू बी देखा क्योंकि हमने खुद ये प्रॉब्लम फेस करी है इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह जान सकती हूँ क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ कह लीजिए कि पूरा केरला घूमे से लेकर हम लेह लद्दाख तक गए हैं तो हमें कई बार हुआ कि बहुत जगहों पे जो है अभी डिफरेंटली एबल फ्रेंडली नहीं है और मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और कई स्कूल्स भी हैं जिनमें अभी तक लो फ्लोर बस नहीं है व्हील चेयर वाले बच्चों के लिए और लोगों के स्लाइड करेक्ट yes, और हमारे टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत ज़रूरत है कि उनको फ्रेंडली बनाएं डिसेबल फ्रेंडली और साथ साथ एक मानसिकता भी चेंज करने की जरूरत है एक्सेप्टेंस की hmm. पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी और समाज के लिए भी कि ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करिए और आप उससे बाहर आइए ज... बहुत सारे मैंने देखे हैं केसेस की पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आप उसको अपनी एनर्जीज को अच्छे कामों में लगाइए और साथ ही साथ सोसाइटी अगर सपोर्ट देगी अगर एक्सेप्ट करेंगे आप ऐसे बच्चों को एज ए नॉर्मल बच्चे की तरह तो वो भी बहुत अच्छा जस्ट करेज एनकरेज करिए आपके परिवार में भी ऐसा बच्चा है तो उसके साथ फ्रेंडली पेरेंट्स को भी एक, एक हिम्मत दिलाइए यहाँ मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपने ब्लड डोनेशन पे भी बहुत काम किया है वो क्यों किया आपने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी काम किया है हमें अपरचुनिटी मिली थी एक एम कैंसर हॉस्पिटल है हैदराबाद में जी तो उसमें जाने की उन वहाँ पर हम लोग एक क्रिसमस फंक्शन करने गए थे कैंसर पेशेंट्स के लिए तो हमें वहाँ पे डॉक्टर्स ने बच्चों के वार्ड में ले गए तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला और हमने वहीं से डिसाइड किया कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना है और उसके साथ ही हमने फिर वहीं से ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया और इससे आर्मी जो कैंटोनमेंट की हमें मिलिट्री कैंटोनमेंट सिकंदराबाद हैदराबाद की बहुत सपोर्ट मिला उनसे और इसी वजह से हम सिक्स थाउजेंड यूनिट्स चार साल में कलेक्ट कर पाए विद द सपोर्ट ऑफ हमारे फ़ौजी जवान और यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने घर में क्या टाइल्स रखती हैं किस तरह की आपकी फ़िटनेस रिजीम रहती है क्योंकि मैंने जो अभी देखा पंच काफ़ी है तो इसको प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ती होगी टू गेट 460 सिक्सटी Swings in इन minutes. Uh, how do you do that? हाँ जी ji इसके लिए मैं कम से कम दो से तीन घंटे daily practice routine मेरा रहता है चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि एक दिन भी मैं practice करती हूँ तो मैं पीछे चले जाती हूँ तो उसके लिए regular practice की बहुत ज़रूरत है उसमें मैं सब कुछ करती हूँ जैसे आ, रोप कह लीजिए रोप jumping, रनिंग पार्ट होता है फिर प्लैंकिंग होती है फिर कोर स्ट्रेंथनिंग होती है फिर स्पीड के लिए वेट्स यूज़ करते हैं बैंड्स यूज करते हैं तो इसमें बहुत चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो उसके कॉम्बिनेशन से ये सब पॉसिबल हो पाते हैं एंड डू यू गेट टू इंटरक्ट विद मैनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स कोई किस्सा कोई वाक्य जो आप शेयर करना चाहें पहले सबसे पहले बोलूँगी मेरे हस्बैंड हैं वो खुद एक फिटनेस में है एंड मैराथन रनर हैं तो उनका बहुत सपोर्ट मिला तो इसलिए मुझे बाहर के किसी लोगों को ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा बेटा भी है वो खुद उसके फाइव गिनीज रिकॉर्ड्स हैं और वो खुद ब्लैक बेल्ट भी है तो जब मेरे को रिकॉर्ड करना होता था मैं अवॉइड करती थी कि आ, पब्लिक प्लेसेस में करना क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका फोकस फिर अपने रिकॉर्ड पर ना रह के बाकी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो मेरा यही रहता था कि मैं किसी जिम में करूँ और पूरी टीम मेरी अपनी होती थी रिकॉर्डिंग से लेकर और विटनेस से लेकर ताकि मुझे कुछ क्योंकि कि किसी को इनवाइट करें तो फिर उसमें आपका उनकी तरफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एक मेंटल प्रेशर पड़ जाता है तो वो एक डिस्ट्रैक्शन मुझे पसंद नहीं था मैं चाहती थी कि मैं अपना करूँ चाहे वो रिकॉर्ड अचीव हो या नहीं अचीव हो पर एटलीस्ट जो मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने लोगों के बीच में करूँ जहाँ पे मुझे कोई भी प्रेशर ना हो तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादातर अपने ही फैमिली मेंबर्स और बाकी जो Teams होती थी जो रिकॉर्डिंग तो उनको रखा था एंड हाउ डू यू गेट द अदर पर्सन एज अ जो आपका 5 -9 या 5 -10 या 6 फीट हाँ का वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होते थे मेनली और उनके साथ में बीच बीच में उनके साथ प्रैक्टिस करती थी ताकि उन वो भी ग्रिड में रहे कि उनको कैसे पकड़ना है पैड क्योंकि पैड होल्डर का भी एक क्योंकि हाइट अगर फाइन नाइन है तो ये जरूरी है कि उसको करेक्ट मेथड पता हो और वो मार्शल आर्ट का ही होने वाला जानने वाला हो तो बेटर रहता है और उसको आ, क्योंकि उसको अगर जब स्पीड में होता है बहुत स्विंग करते हैं पैड्स तो hmm. वो उतनी पावर से भी पकड़ने की जरूरत होती है और साथ साथ वो करेक्ट हाइट बहुत जरूरी है पैड होल्डर की पैड पकड़ने की और इसका एक मेथड होता है क्योंकि तो उसको टाइट पकड़ना होता है कि लूज पकड़ने से क्या होता है कि मेरा आ, स्पीड कम हो जाती है hmm. तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो उसके लिए आ, एक ट्रेन पर्सन ही ठीक रहता है एब्सोल्युटली एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड व्हाइल पर्स्यूइंग योर जर्नी फैक्टर तो चैलेंज था ही फिर वो उसको क्रॉस किया उसके बाद सेकेंड मेरा था कि मेरी हाइट फाइव वन है जो बहुत ही कम है मार्शल आर्ट के फील्ड में क्योंकि जितने भी जब मैं रिकॉर्ड करती ग्रुप रिकॉर्ड्स में मेरी हाइट सबसे छोटी में मानी जाती थी मैं तो उसके लिए थोड़ा मुझे अपने स्ट्रेचिंग पे काम करना पड़ा और उसके लिए स्टेमिना बढ़ाया कि मैं ज़्यादा हाइट में मेरा किक उठ सके उसके बाद मेरा था थर्ड पॉइंट था मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ तो उसके लिए डाइट पर काफ़ी काम किया क्योंकि सोचा हुआ था वेजिटेरियन है तो अब कुछ ना कुछ तो करना है तो डाइट उस तरफ से मॉड्यूल बनाया डाइट का फिर उसके साथ ही चैलेंज था कि टाइम मैनेजमेंट क्योंकि दोनों बच्चों को टाइम भी देना है और साथ में घर के जिम्मेवारियों को निभाते हुए और ये सब करना है अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए टाइम मैनेज किया एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने फ़िज़िकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दिया कि कंटिन्यूसली करना है तो सब कुछ स्टेमिना मैंने कहा जैसे स्किल और टेक्निक्स भी करेक्ट होनी चाहिए स्पीड भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ये सब चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाते आप तो इन सब ये चैलेंजेस थे पर uh, कहते हैं कि मतलब चैलेंजेस का के बिना भी मजा नहीं है लाइफ का एब्सोल्युटली okay. <laughs> ये चैलेंजेस के बिना हाँ कोई जी. मजा नहीं है दैट इज आवर कंस्ट्रक्ट बेसिकली करेक्ट एंड इफ आई टेक यू टुवर्ड्स योर रोल मॉडल्स इन मार्शल आर्ट्स फर्स्ट हु हैव दे बीन एंड व्हाई बचपन से तो अभी तक पहले ही थे एंड ब्रूसली की मूवीस मतलब जो मार्शल आर्ट वाले हैं सभी फॉलो करते थे तो मैं भी उनमें से एक थी जो उनके पंचर्स और उनके स्पीड और उनका जो वन सेकेंड में टेन पंचर्स वाली थ्योरी थी तो वो बहुत फॉलो करते थे और साथ में उसके बाद जैसे धीरे धीरे मार्शल आर्ट में आए तो मेरे जो कोच हैं जयंत रेड्डी डॉक्टर डौ, जयंत रेड्डी हैं ग्रैंड मास्टर हैदराबाद में है तो उनसे इंस्पिरेशन लिया वो ख़ुद भी थर्ट उनके ट्वेंटी नाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं गिनीज रिकॉर्ड है उसके अलावा भी उनके और फिफ्टीन रिकॉर्ड्स हैं एंड वो ख़ुद भी एक इंस्पिरेशन है क्योंकि वो सिक्सटीज़ में पहुंच गए हैं पर उनकी फ़िटनेस लेवल बहुत हाई है और वो वन ऑफ द ओनली इंडियंस हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस एज पे भी तो उनसे बहुत इंस्परेशन लिया उनसे टेक्निक्स पूछी और जहाँ डाउट होता था उनसे डाउट क्लियर किए तो आखिर में चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन लड़कियों के लिए खासकर जो मार्शल आर्ट्स में रुचि रखती हैं जिनका इंटरेस्ट है अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें सबसे पहले तो मैं गर्ल्स को कहूँगी कि आप आ, अपनी फिटनेस पे जरूर काम कीजिए और कम से कम थर्टी मिनट्स चाहे वो लेडीज हैं गर्ल्स हैं कोई भी हैं कम से कम थर्टी मिनट्स आप अपने लिए समय निकालिए वीक में तीन बार और उसके अलावा आप डाइट भी अपना प्रॉपर लीजिए और सेल्फ uh, डिफेंस तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सीखिए क्योंकि मार्शल आर्ट के तीन भाग हैं आप उसको एक एज अ फिटनेस ले सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स ले सकते हैं और एक सेल्फ़ डिफेंस एंड जो तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है एंड uh, uh, इसके लिए मैंने स्लोगन भी दिए हैं अपने जो खुद हैं सेल्फ सेल्फ डिफेंस फॉर हेल्प मतलब आपको अपनी रक्षा खुद करनी है mm -hmm. किसी पे डिपेंड नहीं होना। थैंक mm यू -hmm. uh, like बहुत खास मेहमान किरण उनियाल जी जिन्होंने कई रिकॉर्ड सेट करे हैं इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट की